राह से भटक गया था दलित युवक। लालच में अपना लिया था इस्लाम। बिलाल का हुआ शुद्धिकरण। हिंदू युवा वाहिनी ने ढोल नगाड़ों के साथ किया भव्य स्वागत। इस जश्न का नजारा देखिए, ये कोई आम जश्न नहीं है, ये जश्न है घर वापसी का, ये जश्न है भटके हुए राही को वापस लाने का, ये जश्न है हिंदू वाहिनी के अथक प्रयासों का, इसलिए जश्न पूरे गांव में मनाया गया। ढोल नगाड़ों की ये थाप अब देश सुनेगा। हो सकता है कि ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर कईयों के कान से खून बहने लगे, पर ये आवाज अब रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। पहली स्क्रीन पर बिलाल की ये तस्वीर देखिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी सब कुछ बता रही है। अब दूसरी स्क्रीन की तस्वीर देखिए, गले में माला है, दाढ़ी कटी हुई है, चेहरे पर गर्व का भाव है। गरीबी, लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाकर एक गरीब दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू युवक को भटका दिया गया, उसका धर्म परिवर्तन किया गया। जिहादियों ने और कट्टरपंथियों ने क्या खूब चाल चली। जी हाँ, डेविड नाम का युवक 6 महीने पहले महाराष्ट्र गया और वहाँ मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल नाम रख लिया था, लेकिन जब अपनी बहन की शादी में वो वापस आया तो पूरा गांव हैरान था। उसके चेहरे पर दाढ़ी वो मुस्लिम लिबास में देखने पर हल्ला मच गया। हिंदू युवा वाहिनी वो परिवार वालों की जिद पर आखिरकार बिलाल टूट गया और फिर मंदिर में शुद्धिकरण कराकर बिलाल को डेविड बना दिया गया। धर्मांतरण की ये दास्ता है बिजनौर के थाना स्योहारा के सदो बेरखा इलाके की। डेविड कुमार के पिता की 6 महीने पहले मौत हो गई थी। गरीबी सर पर थी और गरीबी के चलते डेविड गांव के ही 7 से 8 पड़ोसी युवकों के साथ महाराष्ट्र में बेकरी पर मजदूरी करने के लिए चला गया था। 6 महीने पहले डेविड ने मुस्लिम युवकों के साथ रहकर अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल नाम रख लिया। इसी बीच बिलाल ने चेहरे पर दाढ़ी भी रख ली, मुस्लिम लिबास यानी कुर्ता पजामा भी पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन जब डेविड बिलाल बनकर गाँव लौटा तो सब दंग रह गए। बिलाल की बहन की शादी 2 दिन पहले थी। शादी में महाराष्ट्र से शिरकत करने के लिए बिलाल भी अपने घर पहुंचा। ग्रामीणों और परिजनों ने जैसे ही बिलाल को मुस्लिम लिबास में देखा तो वो हैरत में पड़ गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि डेविड हिंदू से मुस्लिम हो चुका है। खबर सुनते ही हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना दखल देना शुरू कर दिया। डेविड को खूब समझाया बुझाया गया, ग्रामीणों ने भी खूब समझाया। हालांकि शुरुआत में डेविड ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म में शामिल हुआ हूं, लेकिन ग्रामीण वो परिवार के लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर पुनः बिलाल को हिंदू धर्म अपनाकर डेविड नाम रखवा दिया गया। हालांकि हिंदू बनने से पहले ग्रामीणों ने मंदिर में ले जाकर डेविड का शुद्धिकरण कराया, उसकी दाढ़ी को कटवाया गया और फिर डेविड को पूरे गाँव में गले में सहरा बांधकर माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के बीच घुमाया गया। और ये जश्न इसी बात का है जिसका गवाह पूरा गांव बना। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।